एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रिया रजावत में, और आप सभी को राधे राधे। तो आज मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ अमेज़ॉन ब्यूटी हॉल, क्योंकि अमेज़ॉन से मैंने कुछ चीज़ें, कुछ प्रोडक्ट परचेज़ किए थे, तो मैंने सोचा मुझे आप लोगों के साथ शेयर करने चाहिए, अच्छी चीज़ों को शेयर करना चाहिए। तो मैंने पहले सोचा कि मैं उन प्रोडक्ट को पहले खुद यूज़ करके देखूं, फिर मैं आप लोगों के साथ उसका रिव्यू भी शेयर करूं। तो बस मैंने इसलिए थोड़ा सा लेट किया, और मैंने सोचा चलो मैं आप पहले यूज़ करती हूं, फिर आप लोगों के साथ उसका रिव्यू भी शेयर करती हूं। और जो मैंने प्रोडक्ट खरीदे हैं, अगर आप लोग उन्हें परचेस करना चाहते हैं, तो उसका जो बाइंग लिंक है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वहाँ से ख़रीद सकते हैं। तो आपको वहाँ पर अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो चलिए, मैंने जो जो चीज़ें खरीदी हैं वहाँ से, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो सबसे पहले तो हमारे यहाँ पाउडर ख़त्म हो गया था, तो मैंने ये मंगाया है पाउडर। तो ये मैंने मंगाया है सिंथॉल का। तो सिंथॉल का साबुन भी काफ़ी अच्छा होता है, और सिंथॉल का पाउडर वगैरह भी काफ़ी अच्छा होता है। काफ़ी टाइम से हमने सिंथॉल का साबुन यूज़ नहीं किया, बट मैंने अब की बार ये सिंथॉल का पाउडर मंगा के देखा। मैंने कहा बहुत टाइम हो गए, पहले बचपन में हम यूज़ किया करते थे, बट मैंने आज इसको फिर से मंगाया है, और इसकी जो स्मेल होती है वो तो बहुत अच्छी होती है। तो ये मुझे 300 ग्राम का पैक पड़ा है, 135 का, और काफ़ी मतलब बड़ा पैक है ये, आप देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा काफ़ी बड़ा पैक है ये। और सच में मतलब एक बार आप मंगा लो, काफ़ी टाइम तक के लिए छुट्टी हो जाएगी। तो मुझे तो ये काफ़ी अच्छा लगा, और वहाँ पे ना काफ़ी सारे डिस्काउंट भी आए हुए हैं। और जो भी मैंने चीज़ें खरीदी हैं, तो मैं आपको इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और दूसरा मैंने ख़रीदा है, आजकल आपको पता है कि जो हेयर फॉल की प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा हो गई है, सभी के बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, तो इस वजह से मेरे बाल भी बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं। मेरे बाल हाइट में तो ठीक है, बट इस टाइम ना जो ये वाला सीज़न होता है ना, इस वाले सीज़न में मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ने लगते हैं, मैं परेशान हो जाती हूँ। मैं खुद भी सोचती हूँ कि मैं अपने बालों के लिए क्या करूँ। तो मैंने इसके बारे में काफ़ी सुना था, आप लोगों ने सुना होगा वाओ का। तो ये मैंने वाओ का शैम्पू, कंडीशनर एंड ऑयल मंगवाया हुआ है। तो आप इसको अगर चाहें तो इसको अकेला भी खरीद सकते हैं, बट मैंने इसकी पूरी किट मंगवा ली, क्योंकि किट में मुझे काफ़ी फ़ायदा नज़र आया। किट मुझे शायद ये 850-900 रुपये की पड़ी हुई है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये है वाओ का हेयर ऑयल, ये रेड ऑनियन ब्लैक सीड ऑयल हेयर कंडीशनर है, सॉरी ये कंडीशनर है। तो मैंने इस कंडीशनर को भी यूज़ किया है, तो आप देख सकते हैं इसकी जो सील है वो खुली हुई है। तो मैंने इस कंडीशनर को भी यूज़ किया है, आप देख सकते हैं, अगर आपको दिख रहा हो तो ये ऑनियन ऑयल है। और दूसरा मैंने ये शैम्पू मंगवाया था, ये सारा पूरा किट आया हुआ है। तो मैंने शैम्पू और कंडीशनर को यूज़ किया है, मुझे इसका जो रिव्यू है काफ़ी अच्छा लगा है। मैंने शैम्पू को और कंडीशनर को दो बार यूज़ किया है, तो मुझे उसके बाद से ना अपने बालों में थोड़ा सा फ़र्क नज़र आया है, पर इतना नहीं कह सकती हूँ मैं, बट थोड़ा सा फ़र्क मुझे नज़र आया है। फ़र्क ये है कि मेरे जो पहले बाल मैं अदर शैम्पू से धोती थी, जैसे उससे सनसिल्क वगैरह से धोती थी, तो मेरे बाल ना थोड़ा सा रूड रूड से हो जाते थे। इससे मेरे बाल रूड बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल स्मूथ एंड सिल्की से हो गए हैं। और मैंने कंडीशनर जब लगाया ना, कंडीशनर लगाने के बाद तो जो मेरे बाल एकदम सिल्की से हो गए हैं। तो मैं आप लोगों से कहूँगी, इसको तो आप एक बार ज़रूर यूज़ करिए, क्योंकि अगर आप एक बार इसका पूरा पैक मंगा लेंगे तो आपके लिए काफ़ी दिन के लिए हो जाएगा। तो मैंने कहा चलो एक बार मंगा के देखती हूँ। तो भाई देखो, एक लड़की, एक औरत की जो सुंदरता होती है वो बालों से ही होती है, तो मैंने कहा एक बार मैं इसको यूज़ करके देखती हूँ। तो मुझे तो ये काफ़ी अच्छा लगा। बाकी जो इसका लिंक है मैं वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और इसके साथ मुझे ये मिला है ऑनियन ऑयल, ऑनियन ब्लैक सीड हेयर ऑयल, नॉन स्टिकी नॉन ग्रेसी हेयर ऑयल फॉर सिल्की स्ट्रॉन्गर हेयर ऑयल, ऑनियन ब्लैक सीड ऑयल्स विथ आलमंड्स कैस्टर जोजोबा ऑलिव, मतलब इतनी सारे इसमें इंग्रेडिएंट्स मिले हुए हैं, और सच में मुझे काफ़ी अच्छा लगा। नो मिनरल्स ऑल सिलिकॉन्स, मतलब इसमें फालतू की चीज़ें नहीं मिली हुई है जो हमारे बालों को डैमेज करती हैं, ये सब चीज़ें इसमें नहीं मिली हुई हैं। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जो बाल हैं, मेरे को इसको जब यूज़ किया है मैंने, यूज़ करने के बाद ना मेरे बाल काफ़ी सिल्की से हो गया। मुझे तो ये काफ़ी पसंद आया। अगर आप लोगों को ये परचेज़ करना है, तो जो इसका लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप इसको वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं, और शायद आपको वहाँ पर अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो ये पूरा 3 का पैक है, और ये पूरी किट आई हुई है, ये पूरी किट आई हुई, तो इस पूरे किट में ये तीनों चीज़ें आई हुई थी, और मुझे तो ये काफ़ी अच्छा लगा है। और दूसरा ये है ममा अर्थ का
ये ममा अर्थ का हेयर ऑयल है, बट ये मैं यूज़ नहीं करती हूँ, ये मेरी सिस्टर यूज़ करती है, तो उसने मुझसे बोला था कि मेरे लिए मंगा लेना। तो अभी हम एक दूसरे से मिलेंगे थोड़े दिन में, तो मैंने कहा चलो, उसके यहाँ पे थोड़ा सा डिलीवरी की प्रॉब्लम हो जाती है, तो इस वजह से मैंने कहा चलो मैं ही मंगवा लेती हूँ। तो ये है ममा अर्थ का ऑनियन हेयर ऑयल विथ ऑनियन एंड रेड्यूसल और हेयर ऑयल, सिलिकॉन फ्री, डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड फॉर हेयर ऑल टाइप्स, मतलब सारे हेयर्स के लिए है ये, मतलब आप कैसे भी बाल हो आपके सब पे यूज़ कर सकते हैं। तो इसको मेरी सिस्टर यूज़ करती है, वो इसका रिव्यू भी काफ़ी अच्छा बताती है, क्योंकि वो ममाअर्थ का फेस वॉश, ममाअर्थ का शैम्पू, ममाअर्थ का मतलब ये ऑनियन ऑयल, ये सारी चीज़ें वो यूज़ करती है। तो मैंने उसका भी सामान मंगा लिया था। तो इस ये मुझे कितने का पड़ा है, ये मुझे पड़ा है, ये मुझे 400 का पड़ा है। तो इसका लिंक भी मैं आप लोगों को दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से इसको ख़रीद सकते हैं। और ये मैंने ये उसने मंगवाया है, एक तो उपटन फेस वॉश ममाअर्थ का, जो उपटन होती है वो मंगवाया है, और ये है ऑयल फ्री फेस मॉइस्चराइज़र। तो ये दो चीज़ें उसने ये मंगवाई हुई हैं, आप देख सकते हैं। तो इसका भी रिव्यू वो मुझे काफ़ी अच्छा बताती है, मुझसे बोलती है कि इसको यूज़ कर, बट मैंने अभी तो ममाअर्थ का सिर्फ फेस वॉश मंगाया था, जिसका मैंने आपको पहले लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया था, मैंने आपको दिखाया भी था, और आजकल मैं वही यूज़ कर रही हूँ। तो ये उसने उपटन मंगवाया है और ये मॉइस्चराइज़र है। और एक उसने चीज़ और मंगवाई है, ये है ममाअर्थ विटामिन सी स्लीपिंग मास्क। तो ये आप जब नाइट में आप सोते हैं, अपने फेस को अच्छे से धो लीजिए, और धोने के बाद उसको इसको मतलब आप जब सोने जा रहे होते हैं तो आप इसको थोड़ा सा हाथ में लीजिए, और हाथ में लेने के बाद इसको आप अपने फेस पे लगा लीजिए। और ये कुछ इस तरीके का है, देखिए ये कुछ इस तरीके का है, इसको आप अपने फेस पे लगा लीजिए। तो बताती है उस मुझे वो बताती है फ़ोन पे कि इसका भी रिव्यू काफ़ी अच्छा है, मतलब फेस पे लगाने के बाद काफ़ी अच्छा उसका फेस हो गया है। और ये हर स्किन टाइप के लोग यूज़ कर सकते हैं, मतलब आपकी स्किन कैसी भी हो सारे लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आप इसको एक बार मंगा के ज़रूर देखना। और एक मैंने मंगवाया था मास्क का स्मूथ आईलाइनर। तो मेरा जो आईलाइनर था वो मेरा ख़त्म हो चुका था, तो मैंने ये लाइनर मंगवा लिया है, ये मास्क का है, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इसका पैक पता नहीं कहाँ चला गया है, तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और एकदम ये ब्लैक है, ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, आपको दिख रहा है, मैंने लगाया नहीं है तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये भी। और ये मुझे पड़ा है 120 का पड़ा है ये मुझे। तो इसका जो लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और एक मैंने ख़रीदी है ये कलर सेंस की कॉम्पैक्ट पाउडर, कलर सेंस का ये कॉम्पैक्ट मैंने ख़रीदा है, और कॉम्पैक्ट मेरे पास ख़त्म हो गया था, मेरा बिल्कुल कॉम्पैक्ट बिल्कुल बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, तो मैंने ये ख़रीदा है कॉम्पैक्ट का। ये कुछ इस तरीके से है, और इसको अगर आप हटाओ तो यहाँ पे आपको इसके पीछे आपको यहाँ पे मिरर भी है, इसके पीछे देखो ये मिरर भी हैगा इसके, और इसको आप इस तरीके से लगा दो, और ये है, और इसके साथ ये आपको मिलेगा। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये भी, क्योंकि मेरा कॉम्पैक्ट पाउडर ख़त्म हो चुका था। तो ये भी आपको शायद 100 के समथिंग पड़ेगा, तो ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और वहाँ पे ना मतलब आपको जो भी सामान ख़रीदना हो, जो मैंने ख़रीदा है आप वहाँ से ख़रीद सकते हैं। तो जो इसका बाइक लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, और मुझे तो सारे सामान काफ़ी अच्छे लगे हैं और काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में लगे हैं। तो आई होप आप लोगों को भी अच्छे ही लगेंगे। और मैंने सारी मतलब मेरे आजकल बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे थे, तो मैंने सोचा कि मुझे वाओ का तो यूज़ करके देखना चाहिए, और मुझे इसका जो रिव्यू है वो काफ़ी अच्छा लगा। और ममाअर्थ का मुझे सिस्टर बोलती है कि काफ़ी अच्छा है, तो बट मैंने वाओ का मंगा लिया, क्योंकि मेरी 2-3 फ्रेंड्स हैं वो वाओ यूज़ करती हैं, तो मैंने कहा चलो मैं पहले वाओ का मंगा के देखती हूँ। लेकिन कहते हैं ना, हर किसी की स्किन अलग अलग होती है, हर किसी को हर चीज़ सूट नहीं करती है। तो मुझे तो 2 बार में काफ़ी मतलब काफ़ी बेनिफिट्स नज़र आए, क्योंकि मैं जब भी बालों में हाथ डालती थी तो मेरे बाल झड़ के आ जाते थे, बट ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, तो मुझे अच्छा लगा। तो और बाकी आगे भी मैं इसका अपना जो भी है आगे भी रिव्यू दूंगी। तो चलिए इस वीडियो का एंड मैं यही करती हूँ। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और जो मैंने अमेज़ॉन से ब्यूटी प्रोडक्ट्स मंगवाए हैं वो भी आपको अच्छे लगे होंगे, और काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में है। और आप लोगों को इसमें से कुछ भी ख़रीदना हो तो उसका बाइंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए करते हैं इस वीडियो का यहीं पे एंड, बाय बाय। और हाँ जी,
और जी जो लोग मेरी वीडियो सब्सक्राइब नहीं करते हैं, मेरे चैनल को लाइक नहीं करते हैं, सो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए एंड शेयर करिए। अब करते हैं, बाय बाय।